हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके प्री मिक्स टी माइनस 28 में एंड आज हमारा है स्कीम स्पेशल। स्कीम स्पेशल में आपका पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ युविका स्कीम। युविका स्कीम हमने लास्ट ही वीक की है, तो इट इज एम्ड एट इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंसेस एंड स्पेस एप्लीकेशंस टू द यंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, टू क्यूरेट द रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटीज अंडर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तीसरा कहता है इट इज अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल फॉर कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और चौथा कहता है नन ऑफ द अबव। लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। क्या युविका स्कीम बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाने से एसोसिएटेड है, क्या युविका स्कीम माइनॉरिटी के कल्चर से एसोसिएटेड है, या फिर युविका स्कीम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से एसोसिएटेड है? तो दो मिनट सोचिए, हमने इसके बारे में लास्ट वीक पढ़ा है और इसका आंसर है ए, कि युविका स्कीम बेसिकली बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि इसरो ने एक स्कीम लॉन्च की है युविका, जिसका फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ठीक है, जिसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाए। ठीक है, जितने भी यंगस्टर्स हैं अपनी कंट्री में उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि दे वुड नो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरह का काम होता है और इस तरफ उन्हें जागरूक करने के लिए भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने दो स्कीम्स पढ़ी थी। एक हमने माइनॉरिटी से कल्चर से एसोसिएटेड स्कीम पढ़ी थी, दिस स्कीम इज कॉल्ड हमारी धरोहर, और दूसरा हमने एक पोर्टल पढ़ा था विच टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, दिस पोर्टल वॉज कॉल्ड योर समाधान पोर्टल। अब ध्यान रखना, आपकी एक नक्सलिज्म से एसोसिएटेड समाधान डॉक्ट्रिन भी है, राइट? तो समाधान डॉक्ट्रिन इज अ डिफरेंट थिंग, समाधान पोर्टल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने चार चीजें देखी हैं, पहली आपकी युविका स्कीम, दूसरी दो और स्कीम्स हमारी धरोहर एंड समाधान पोर्टल, एंड चौथा यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन समाधान पोर्टल एंड समाधान डॉक्ट्रिन, जो कि नक्सलिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंप्रेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ, इंप्रेस स्कीम हमने पढ़ी है, राइट? इज इट एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी? अगर आपको इंप्रेस इनिशिएटिव थोड़ा सा भी याद है, ये भी हमने पिछले हफ्ते किया है, तो यू शुड नो इज इट एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रादर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली किस चीज के लिए थी ये? सोशल साइंस रिसर्च से एसोसिएटेड थी, सोशल साइंस रिसर्च जो कि पॉलिसी रिलेवेंट एरियाज में हो, सो दैट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एंड इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च। ये भी हमने टू मिनट सीरीज में किया है। अगर आपको ये याद नहीं है चीजें, जस्ट गो बैक एंड रिवाइज इट, यू स्टिल हैव 28 डेज टू गो। ठीक है, ओके, तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रेयस स्कीम। बहुत ही ईजी है ये तो। द ऑब्जेक्टिव इज टू अलाइन एजुकेशन करिकुलम विद द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट ऑन जॉब एक्सपोजर टू ऑल द स्टूडेंट्स इन स्किल सेट ऑफ देयर चॉइस एंड एप्टीट्यूड। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि एजुकेशन को जो इंडस्ट्री की नीड्स है उससे अलाइन करने की कोशिश की जाएगी इस स्कीम में, और दूसरा इस चीज को करने के लिए बच्चों को ऑन द जॉब एक्सपोजर दिया जाएगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ जो भी उनका स्किल सेट होगा, राइट? तो अगर आपको याद हो, हमने इस पर टू मिनट किया था, मैंने दो पार्ट्स में पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको नेशनल करियर सर्विस भी पढ़ाया था, राइट? तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू आर नन ऑफ द अबव, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दिस वन, इट हैज टू बी बोथ वन एंड टू। श्रेयस स्कीम हमने स्पेसिफिकली इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि दिस टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्री की जो नीड्स है, बच्चे को उसी तरह से पढ़ाया जाए और जो ऑन द जॉब इंटर्नशिप्स है उनको भी प्रमोट किया जाए, राइट? तो वही चीज कह रहे हैं, श्रेय स्कीम्स के स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो इसका बेसिक एजेंडा क्या था कि बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए। ऐसा बहुत बार रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बच्चे जो मार्केट में जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, उनका स्किल सेट बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए अब आपकी पढ़ाई को आपके इंडस्ट्री एक्सपोजर से भी जोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली यूजीसी चाहता है कि जितना भी हायर एजुकेशन सिस्टम है, राइट, उनको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट मिले बाय 2022, इसीलिए श्रेय स्कीम चलाई है जिसका बेसिक एजेंडा क्या है, एजुकेशन करिकुलम को इंडस्ट्री की नीड से मिलाना और दूसरा ऑन द जॉब एक्सपोजर को भी प्रमोट करना। ठीक है, ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्वायत्त इनिशिएटिव। ठीक है, तो स्वायत्त जो आपका इनिशिएटिव है किससे एसोसिएटेड है?
पहला करता है, इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेजेस थ्रू ई ट्रांजैक्शंस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस. नेक्स्ट बोलता है, इट इज वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशन थ्रू विच द लोकेशन ऑफ साइट्स फॉर अनऑथराइज्ड माइनिंग कैन बी डिटेक्टेड. थर्ड कहता है, इट इज अ वेब इनेबल्ड सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन क्रिएटेड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. चौथा कहता है, टू प्रमोट हेल्थ हेल्थ एजुकेशन इन विलेजेस, अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ डोमेस्टिक सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट. बहुत ही सिंपल है, लेट मी मेक ऑल द कियोटिक थिंग्स इजियर फॉर यू. पहला क्या कहता है कि ये बेसिकली स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ को हेल्प करता है ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. दूसरा, ये अनऑथराइज्ड माइनिंग की लोकेशन साइट्स को बताता है. तीसरा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से जो भी आपके ग्रीवियंसेस होंगे उनको सॉर्ट कराता है. और चौथा, ये हेल्थ एजुकेशन से एसोसिएटेड है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर है ए, कि ये स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ को एडवांटेजेस पोजीशन में लाता है ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट स्पेस. अब बाकी तीन भी यू शुड नो क्या है. पहला आपको स्वायत्त इनिशिएटिव बता दिया गया है, जो मैंने आपसे जीआईएस एप्लीकेशन की बात की जो कि अनऑथोराइज माइनिंग को एसोसिएट करता है, दैट इज कॉल्ड कोल माइनिंग सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम. जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के ग्रीवियंस रिड्रेसल की स्कीम है, दैट इज कॉल्ड फार्माजन समाधान. एंड जो हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन से एसोसिएटेड स्कीम थी उसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम. तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी वी हैव डिस्कस्ड फोर स्कीम्स. जस्ट गो बैक एंड रीड मोर ऑन दीज फोर स्कीम्स अगेन. ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. नई उड़ान एंड नई मंजिल स्कीम ऑलमोस्ट सिमिलर लगती हैं, इसलिए दिया है कि ऐसी स्कीम्स में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नई उड़ान स्कीम सेज इट मोबिलाइजेस यूथ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज हु आर ड्रॉप आउट्स एंड प्रोवाइड देम फॉर फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th और 10th स्टैंडर्ड थ्रू NIOS और एनी अदर ओपन स्कूलिंग सिस्टम. तो नई उड़ान क्या बोलता है कि जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन दी जाए अप टू 8th या 10th थ्रू ओपन स्कूलिंग. नई मंजिल स्कीम कहती है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइनॉरिटी कैंडिडेट्स. राइट, जो भी ऐसे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे या SSC या स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सी नई उड़ान है और कौन सी नई मंजिल है. ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नॉट टू, ट्रू आपको बताना है. तो इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया है. नई मंजिल टॉक्स अबाउट माइनॉरिटीज को फॉर्मल एजुकेशन देना एंड नई उड़ान टॉक्स अबाउट आपका जो आपको प्री बच्चे क्लियर करेंगे उनको आगे जाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. याद रखना, यू कैन रिमेंबर, नई उड़ान में यू है UPSC, जस्ट यू से इसे याद रख लो. उड़ान जहां भी आएगा यू विल रिमेंबर UPSC और आपको याद आ जाना चाहिए कि हम माइनॉरिटीज के लिए है जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं. ऑटोमेटिकली यू विल रिमेंबर कि नई मंजिल वॉज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. ठीक है, चलो, इस पर्टिकुलर प्रीमिक्स में हमने 10 से ज्यादा स्कीम्स डिस्कस की है. मेक श्योर यू गो बैक एंड रीड ऑल दो स्कीम्स. एंड आई होप आप सबको पता है कि हमने 2020 के लिए कंप्लीट मेंटरशिप बात शुरू किया है. आई होप यू नो द प्राइसेस, आई होप यू नो द डिफरेंस. तो बहुत देर मत कीजिए दोस्तों, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी आई थिंक ऑन है. तो डेफिनेटली हर प्रोग्राम का फायदा उठाइए और ज्यादा मेहनत कीजिए. सिर्फ 28 दिन रह गए हैं दोस्तों, वी हैव टू क्रैक इट दिस टाइम. ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय.